आज मैं आपको दो तीन कमाल की बातें बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद मुझे पता नहीं आपको गुस्सा आएगा या खुशी होगी, मुझे नहीं पता। बट आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो दो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये पिछले एक और दो दिन में ही घटित हुई हैं। बट कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत बात नहीं करी गई, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात आप तक पहुँचा पाऊँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक रूड बिहेवियर के लिए कह लें या स्लेजिंग को कहीं ना कहीं ओवर स्लेजिंग तक ले जाने के लिए मशहूर रही है। कि उनको कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आता है कि स्लेजिंग में और कहीं ना कहीं हैरेस करने में क्या अंतर होता है। बट उनका जो कर्मा है वो हमेशा उनको जवाब देता है इससे, प्लेयर की, वो जिन प्लेयर्स को स्लेज कर रहे हैं या जिस टीम को स्लेज कर रहे हैं उससे पहले उनका जो कर्मा है वही उनको जवाब दे जाता है। अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो रिसेंटली मिचेल जॉनसन ने ट्विटर पे एक फ़ोटो शेयर करी सोशल मीडिया हैंडल पे विराट कोहली और स्टार की, जहाँ पे वो दोनों के स्टैट्स कंपेयर करते हुए 2019 के बाद से विराट कोहली के टेस्ट में स्टैट्स और मिचेल स्टार के बैटिंग में स्टैट्स कंपेयर करते हुए दिखा रहे थे कि किस तरीके से 2019 के बाद से मिचेल स्टार की एवरेज कहीं ना कहीं विराट कोहली से भी ज़्यादा है, जिसमें वो मिचेल स्टार को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे थे। बट असल में ये उनकी बहुत ही छोटी सी सोच है। मतलब आप किसी प्लेयर की तारीफ कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता किसी प्लेयर को अच्छा दिखाने के लिए आपको किसी प्लेयर को छोटा दिखाना होता है, और वो भी आप उस फोटो में उस प्लेयर से कंपेयर कर रहे हो। आप मिचेल स्टार को अच्छा दिखा रहे हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मिचेल स्टार को बड़ा दिखाने के लिए आप छोटा उस प्लेयर को दिखा रहे हो जिसकी टोटल सेंचुरीज ना जितनी तुम्हारी टीम में टोटल प्लेयर्स की मिला के नहीं होगी उससे ज़्यादा उसकी अकेले की सेंचुरीज हैं, चाहे वनडे में या किसी और फॉर्मेट में भी देख लो। तो अगली बार से ये चीज़ इनके ख्याल में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी चाहे पॉन्टिंग की कैप्टेंसी रही हो या माइकल क्लार की कैप्टेंसी रही हो, हमेशा से इनकी ये बड़ी ही ख़राब सी मानसिकता रहती है। बट मुझे लगा था कि जब पॉन्टिंग 2011 वर्ल्ड कप के बाद और 2007 वर्ल्ड कप के बाद या अभी टेस्ट में गाबा के बाद जो घमंड भारत तोड़ के आया था, मुझे लगा था कि उससे इनका कुछ दिमाग ठिकाने पे आया होगा। बट कमाल की बात यह है कि ये सुधरना नहीं चाह रहे हैं, ये उस चीज़ से इतना परेशान हो गए कि ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें करके ये इंडिया को परेशान कर सकते हैं या कुछ कहीं ना कहीं एक ट्रिगर कर सकते हैं। बट हमें कोई दिक्कत नहीं भाई ऑस्ट्रेलिया, मैं सिंपल तुमको बताता हूँ, इससे तुमने हमारा फ़ायदा ही कराया। आपको याद होगा मैंने शुरू में कहा था कि बुरा लगे या खुशी हो मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद अभी तक जो मैंने बोला आपको सुन के थोड़ा सा बुरा सा लग रहा होगा, बट मुझे तो खुशी है क्योंकि जब जब विराट कोहली को कोई ट्रिगर करता है तो वो किस तरीके से उसका रिस्पॉन्ड करते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। और मिचेल जॉनसन जिन्होंने ये पोस्ट डाली है, अगर आप लोग को ये किस्सा पता हो, जब कुछ टाइम पहले भारत ने दौरा किया था ऑस्ट्रेलिया का और मिचेल जॉनसन बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने विराट कोहली को बाउंसर मारी थी। अब आप शायद थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहे होंगे, तो उन्होंने जब बाउंसर मारी थी तो विराट कोहली गिर गए थे, फिर उन्होंने आके सॉरी वॉरी बोला, पर उन्होंने इंटेंशनली उनको बाउंसर हिट करी थी जो उनके हेलमेट पर जाके लगी थी। उसके बाद विराट कोहली ने उस मैच में जॉनसन को इतने चौके मारे कि वो बस बकबक करते रह गए और विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली उस मैच में। अगर आप लोग को नहीं याद है तो आप सिंपल जाके अभी आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा विराट कोहली वर्सेस जॉनसन, आपको ऐसी हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगी जहां पे दुनिया ने जॉनसन का मजाक उड़ाया है, जॉनसन खुद यहां पे जो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जब जब ऐसा कुछ करता है उनको जवाब देने के लिए कोई और नहीं चाहिए होता है, खुद उनका कर्मा उनको जवाब देता है। अभी सिर्फ यहाँ तक ही ये नहीं रुके, अगर आपको याद हो जैसा कि जब गाबा में या पिछले सिडनी में भी जब क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, तो मोहम्मद सिराज को जो रेसिस्ट कमेंट पास करे थे दर्शकों ने, आप सबको याद होगा, फिर कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए वो मैच रोक दिया गया था। तो अभी जो एशेज चल रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, उसमें भी रिसेंटली बेन स्टोक्स को और बेस्टो को दोनों को कहीं ना कहीं मोटा सांड या इस तरीके के कमेंट पास करे गए सिडनी के क्राउड के द्वारा। मतलब इससे पता चलता है कि सिडनी का कह लें ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ प्लेयर्स ही बदतमीज नहीं हैं, उनके जो कहीं ना कहीं दर्शक हैं वो उससे भी ज़्यादा बदतमीज हैं। अब जाहिर सी बात है एक दो लोगों की हरकत की वजह से
पूरी टीम को या हर किसी को बुरा नहीं कहा जा सकता, बट चलन दुनिया का ऐसा ही है दोस्त। एक आदमी बुरा करता है, उससे बुराई पहले उसके टीम की होती है, फिर उसके शहर की होती है, फिर उसके स्टेट की होती है, उसी से उसके देश की होती है। ऐसा कहते हैं ना, कोई भी बच्चा कोई ख़राब काम करता है तो सीधे दुनिया ये कहती है पता नहीं इसके माँ बाप कैसे होंगे, भले ही माँ बाप संत हो। तो जॉनसन की ये हरकत की वजह से कहीं ना कहीं उनको खूब सोशल मीडिया पर लताड़ा जा रहा है, और इससे अफेक्ट जॉनसन को जितना नहीं हो रहा होगा उससे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को हो रहा होगा, जैसा मैंने कहा, क्योंकि कर्मा है। तो उम्मीद करते हैं कि जॉनसन आगे से ये हरकत करने से पहले सोचेंगे कि वो मिचेल स्टार्क की बैटिंग को विराट कोहली की बैटिंग से कंपेयर कर रहे हैं। अगर इतना ही शौक है तो आइए दोनों को उतार दीजिए, देख लेते हैं कौन ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर लेता है। और स्टैट्स भी उन्होंने तब से उठाए जब से थोड़ा कोहली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो भी 2019 के बाद से, जिसके बाद से तो आधा टाइम तो कोरोना में ही निकल गया है लोगों का। तब से उन्होंने स्टैट्स उठाए, मतलब शायद उन्होंने जब बैठे होंगे वो कैलकुलेशन करने भी, तो देख रहे होंगे अच्छा ये 2019 से मैं एक पिछला वाला मैच उठा ले रहा हूं तो एवरेज ज़्यादा हो जा रही है, तो क्यों ना मैं इस मैच से इनकी एवरेज उठाना शुरू करूं। भाई जॉनसन, तुम थक गए हो, तुम रिटायर हो चुके हो, तो आराम करो। तुम एक टाइम पे बहुत अच्छे बॉलर थे और तब भी तुमको कोहली ने और इंडिया वालों ने बहुत मारा है। जब इंडिया में वो हिटर्स नहीं आए थे, युवराज धोनी वगैरह, उससे पहले तुम थोड़ा बहुत, तुम्हारा जो भय था वो लोगों को था, बट अब लोगों को नहीं रहा है। तो जितना तुमको धोनी, युवराज और विराट कोहली मारे हैं, उसके अलावा भी तुम आईपीएल में बहुत मार खाए हो। हर हमारे 18-19 साल के बच्चे तुमको मारे हैं चौके छक्के, तो मुंह मत खुलवाओ। हम भी चाहे तो वो सब सोशल मीडिया पे पोस्ट कर अब भी सकते हैं और कर सकते थे, बट क्या करें, अब हमारा नेचर ही ऐसा है। हमारा तो नेचर ऐसा ही है, क्योंकि जब स्मिथ को कहीं ना कहीं इंग्लैंड में बू करा जा रहा था, हमारे विराट कोहली ने आगे आके कहा था भाई काहे इसको बोल रहे हो, तालियां बजाओ इसके लिए, ये भले ही फिक्सिंग करके लौट के आया बट खेल रहा है लौंडा। तब जाके विराट कोहली ने वहाँ पे इंग्लैंड के दर्शकों से तक कहा था कि आप इनके लिए भी ताली बजाओ। और जॉनसन को इतनी शर्म तक नहीं है कि जिसने तुम्हारे देश की इज्जत बचाई है लाखों करोड़ों के बीच, उसको तुम वहाँ पे कहीं ना कहीं इंसल्ट करने की कोशिश करो। और इंसल्ट इससे कौन हुआ है? विराट कोहली? बिल्कुल नहीं। इंसल्ट इससे ऑस्ट्रेलिया हुआ है, जॉनसन हुआ है। और क्या पता जॉनसन का परिवार भी इसी दुख में हो कि क्या है ये, क्या कर दिया इसने। मुझे लगता है जॉनसन के अगर घर वाले होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि विराट कोहली से कंपेयर कर रहा है यार, वार्नर आके इंस्टाग्राम पे बोलता है कि मेरी बेटी विराट कोहली की तरह बनना चाहती है, मेरे बच्चे विराट कोहली की तरह बनना चाहते हैं। तो बोलो उनको, उसको अपने टीम में वार्नर को जाके बताओ ना कि मिचेल स्टार्क की तरह बैट्समैन बनाओ। कभी देखा है बोलते हुए किसी को ये? तो थोड़ा ख्याल रखो अपना, दवाई वगैरह अपनी टाइम पे लो, खुराक मिस मत करो, ताकि आगे से थोड़ा संतुलित रहे दिमाग तुम्हारा भी और तुम्हारे देश में भी शांति बनी रहे। तो बाकी आप लोग का इस चीज़ पे क्या कहना है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट चाहिए एक एक चीज़ पे, एक ही क्या आप लोग को कहना है इस पे, ताकि इन लोग की अकल थोड़ी ठिकाने आए और आगे से ये लोग ऐसा ना करें। धन्यवाद।